हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल सी अबाउट अकोमोडेशन। जनरली हमने एरर ऑफ रिफ्लेक्शन वाले चैप्टर में एंड ऑप्थल में बहुत सी जगह सुना होगा कि अकोमोडेशन बीइंग एड्रेस्ड। तो आज हम थोड़ा सा अकोमोडेशन क्या है वो अलग से देख लेते हैं। तो अकोमोडेशन इज द मैकेनिज्म बाय विच आई चेंजेस इट्स रिफ्रेक्टिव पावर बाय अल्टरिंग द शेप ऑफ द लेंस इन ऑर्डर टू फोकस ऑब्जेक्ट्स एट वेरिएबल डिस्टेंस। अब समझते हैं कि ये क्या कहते हैं। तो कि हमारी आई में जो रेस आते हैं वो जरूरी तो नहीं है ना कि सेम डिस्टेंस से ही आए। कोई रेस बहुत दूर से आते हैं, कोई नज़दीक से आते हैं। तो इन सब रे को, लाइट के जो रे है उसको हमें रेटिना पे, हमारी आई को रेटिना पे फोकस करना पड़ेगा तो ही हम देख सकेंगे। तो ये जो अलग अलग डिस्टेंस से रे आते हैं, लाइट के रे, उसको रेटिना पे फोकस करने के लिए लेंस अपने शेप चेंजेस करता है, जिसकी वजह से जो रे है वो रेटिना पे फोकस हो। ठीक है, देखिए, आई चेंजेस इट्स रिफ्रेक्टिव पावर। लेंस का शेप चेंज होगा तो रिफ्रेक्टिव पावर भी चेंज होगा। बाय अल्टरिंग द शेप ऑफ द लेंस, लेंस का शेप चेंज होगा जिसकी वजह से जो रे होगे वो रेटिना पे फोकस होगे। तो आइए हम देखते हैं कि एक्चुअल में लेंस की आजू बाजू में क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये हमारा लेंस है, लेंस के ऊपर ये जोन्यूल्स होती है एंड ये सीलियरी मसल्स होते हैं। इस जोन्यूल्स को जोन्यूल्स ऑफ जीन ऐसा इसका नाम है, जोन्यूल्स ऑफ जीन, ZIN। ठीक है, अब हम सेपरेटली देखते हैं कि अगर रेस डिस्टेंस से आए तो लेंस कैसे अकोमोडेट करेगा एंड अगर रे नियर से आए तो लेंस कैसे अकोमोडेट करेगा। तो सबसे पहले रेस फ्रॉम डिस्टेंस, दूर से अगर रेस आ रहे हैं तो क्या होगा, लिगामेंट टाइट होगा। ये देखिए, ये लेंस है, ये जोन्यूल्स है, जोन्यूल्स ऑफ जीन एंड ये सीलियरी मसल्स है। तो ये जो जोन्यूल्स है वही लिगामेंट है जिसकी मदद से लेंस जुड़ा होता है। तो ये जो लिगामेंट्स है, जोन्यूल्स है, वो टाइट होगी एंड लेंस की सरफेस फ्लैट होगी। ठीक है, अगर रे डिस्टेंस से आ रहे हैं तो लिगामेंट्स टाइट हो गए एंड लेंस की सरफेस फ्लैट होगी। देखिए, ये लेंस की सरफेस जनरली ऐसे राउंड होती है, बट इस केस में क्या होगी, लेंस की सरफेस फ्लैट होगी। ये फ्लैट है ना, उसी तरह से फ्लैट क्यों हुई ये सरफेस, तो कि ये जो लिगामेंट्स है वो टाइट हुए इसलिए। ये तो हो गए डिस्टेंस की बात। अब देखते हैं कि अगर रे नियर से आते हो तो क्या होगा, अगर रेस फ्रॉम नियर ऑब्जेक्ट, उसमें क्या होगा, लिगामेंट्स रिलैक्स, ये जो जोन्यूल्स है वो रिलैक्स होगी। इसकी वजह से लेंस की जो सरफेस है, एंटीरियर सरफेस है लेंस की, वो मोर राउंडेड होगी। देखिए इस डायग्राम में, लेंस की एंटीरियर सरफेस राउंड हुई है, ये जो लिगामेंट्स है, जोन्यूल्स ऑफ जीन है, वो रिलैक्स हुई है। ठीक, अब हम एक अकोमोडेटिव रिफ्लेक्स थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि अगर रे, लाइट के जो रे है वो हमारे नज़दीक के ऑब्जेक्ट से आ रहे हैं, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है जो हमें देखना है वो हमारी आई के नज़दीक है, तो क्या होगा। देखिए, रे फ्रॉम नियर ऑब्जेक्ट, उसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सीलियरी मसल्स, सीलियरी मसल है ये, उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा। सीलियरी मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये जो लिगामेंट्स है, ये जो जोन्यूस ऑफ जीन है, उसका रिलैक्सेशन होगा, इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा, इसका रिलैक्सेशन होगा। उस फिर क्या होगा, रिलैक्सेशन ऑफ टेंशन ऑन लेंस कैप्सूल, लेंस की कैप्सूल पे जो टेंशन, ये जोन्यूस है वो रिलैक्स होगी, ये रिलैक्स होगी तो क्या होगा कि लेंस में, लेंस की कैप्सूल पे जो टेंशन था वो, उसका रिलैक्सेशन होगा, लेंस की कैप्सूल है वो रिलैक्स होगी। फिर क्या होगा, इंक्रीज कर्वेचर ऑफ एंटीरियर लेंस सरफेस, लेंस के एंटीरियर सरफेस का कर्वेचर है वो इंक्रीज होगा, लेंस बिकम मोर कॉन्वेक्स, लेंस कॉन्वेक्स हो गया। उसके बाद हम नियर में से जो रे आ रहे हैं, नियर ऑब्जेक्ट में से जो रे आ रहे हैं वो रेटिना पे फोकस हो गए और हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकेंगे। ठीक, आई होप आपको अकोमोडेशन के बारे में थोड़ा सा जो बेसिक आइडिया होना चाहिए हमें वो आ गया होगा। हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, उस सब की डेफिनेशन हम देखेंगे ना, उस सब में आएगा कि वाइल अकोमोडेशन बीइंग एड्रेस्ड, वाइल अकोमोडेशन बीइंग एड्रेस्ड।
तो इसलिए हमने थोड़ा सा अलग से देख लिया कि एक्चुअली ये अकोमोडेशन क्या होता है। एंड कभी कभी ना हमें वाइवा में भी अलग से पूछ लेते हैं कि व्हाट इज अकोमोडेशन। ठीक, थैंक यू।